हमारे घरों में चूल्हे पर खाना गैस सिलेंडर की मदद से बनता है ना? लेकिन कभी आपने सोचा है कि गैस सिलेंडर कैसे काम करता है? आजकल यही सवाल हमारी सुधा भी अपने दिमाग में लेकर घूम रही है। वह अपना उत्तर कैसे ढूंढती है, आइए इस एपिसोड में सुनते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल IIT बॉम्बे प्रस्तुत करता है रेडियो ड्रामा सीरीज दैनिक जीवन में विज्ञान, आपके अपने सामुदायिक रेडियो कनेक्ट FM 107.8 पर, जनता से जुड़े डायरेक्ट सामुदायिक रेडियो कनेक्ट। क्या हुआ सुधा, तुम किस बारे में सोच रही हो? आज सुबह मेरी माँ हम सभी के लिए नाश्ता बना रही थी और अचानक से गैस सिलेंडर खाली हो गया, तभी माँ ने दूसरा भरा हुआ गैस सिलेंडर लगा दिया। उसमें क्या है, अब तुम इसके बारे में क्यों सोच रही हो? अरे रम्या, सिलेंडर बदलना भी आसान नहीं है। मैंने देखा कि माँ पहले सिलेंडर को रेगुलेटर से कस कर सील किया, फिर माँ ने बताया कि रेगुलेटर और स्टोव के बीच में एक पाइप होती है जो उनको जोड़ कर रखती है। जब हम नॉब खोलते हैं तो सिलेंडर से गैस चूल्हे के बर्नर में जाती है, और फिर जब हम चूल्हे का नॉब खोलते हैं तो गैस बाहर निकलती है और हम लाइटर या माचिस की मदद से गैस जलाते हैं। मैंने बस ये महसूस किया कि हर अवस्था में गैस को कैद कर लिया जाता है, पहले सिलेंडर में फिर पाइप में, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह बाहर ना निकले। बस यही सवाल मेरे दिमाग में सुबह से घूम रहा है। यह एक दिलचस्प सवाल है सुधा, चलो अपने साइंस टीचर से पूछे कि ऐसा कैसे और क्यों होता है। हाँ ठीक है। रम्या और सुधा, बताओ क्या हुआ? मैम, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। पूछो। आज मैंने अपने घर में रसोई गैस का सिलेंडर बदला और मैंने ये गौर किया कि हम स्तर पर गैस को कस कर बंद करते हैं, ऐसा क्यों? ठीक है, पर सबसे पहले तो तुम्हें ये समझना होगा कि गैस बहुत ज्वलनशील है और इसलिए हमें इसे बहुत सावधानी से नियंत्रण करना होता है, समझे? इसके बहुत पास नहीं जाना है, ना ही इसको हाथ लगाना है। लेकिन यह चूल्हे तक कैसे पहुंचती है, यह भी बहुत दिलचस्प है। कैसे मैम, कैसे? गुब्बारे में हवा भरते हैं वैसे? क्या आप दोनों जानते हो कि सिलेंडर में गैस तरल यानी लिक्विड के रूप में होती है? कैसे मैडम और क्यों? लेकिन जब हम स्टोव चालू कराते हैं तो बर्नर से केवल गैस निकलती है। इसको थोड़ा डिटेल में यानी कि विस्तार में समझने की जरूरत है। देखो, इस पृथ्वी पर सभी सजीव और निर्जीव पदार्थ तीन ही अवस्थाओं में मौजूद रहते हैं, जैसे कि ठोस या तरल या गैसीय अवस्था, जिन्हें हमने, याद है साइंस की क्लास में पढ़ा था, सॉलिड, लिक्विड और गैस की अवस्था। तो कोई भी पदार्थ छोटे छोटे घटकों से बना है जिन्हें अणु कहते हैं। यदि अणुओं के बीच आकर्षण बहुत मजबूत है तो वे ठोस के रूप में मौजूद रहते हैं। ठोस का उदाहरण दोगे मुझे? जैसे चट्टान। हाँ बिल्कुल, चट्टान, पत्थर। और कोई? मैडम हमारी डेस्क। हाँ बिल्कुल, लकड़ी। और हमारी क्लास में रखी लोहे की अलमारी। हाँ हाँ बिल्कुल, लोहा। ये सभी ठोस पदार्थों के ही उदाहरण हैं।
जब अणुओं के बीच आकर्षण बहुत मजबूत नहीं होता तो वे तरल पदार्थ के रूप में मौजूद होते हैं। अब तरल का कोई उदाहरण दो। पानी। बिल्कुल सही। मैम, मेरी दादी के स्टोव में डलने वाला मिट्टी की तेल। हाँ बिल्कुल, मिट्टी का तेल। और बाइक में डलने वाला पेट्रोल। बिल्कुल सही, पेट्रोल। ये सब तरल पदार्थों के ही उदाहरण हैं। और अब जब अणुओं के बीच बिल्कुल आकर्षण नहीं होता और अणु एक दूसरे के साथ नहीं रहते तो ऐसी अवस्था में वे गैसों के रूप में मौजूद रहते हैं। अब गैस का कोई उदाहरण है तुम्हारे दिमाग में? मैम, हवा। हाँ बिल्कुल सही, हवा। और बताओ, जो हम हवा अंदर ले रहे हैं उसे क्या, वो कौन सी हवा? मैम, ऑक्सीजन। सही। और जो हवा बाहर फेंकती है शरीर, वे? कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल सही। सो ठोस पदार्थों में क्योंकि अणु कसकर बंधे होते हैं और वे एक दूसरे को अपने आप से पकड़ कर रखते हैं, इसलिए उनका एक निश्चित आकार रहता है। क्या आपको लगता है कि हमें उन्हें एक साथ रखने के लिए कंटेनर की आवश्यकता है? मुझे तो नहीं लगता मैम। बिल्कुल सही रम्या, बिल्कुल सही रम्या। पर तरल पदार्थों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तरल अवस्था में मुझे लगता है क्योंकि वहाँ आकर्षण कमजोर होता है, हमें उन्हें संग्रहित करने के लिए एक कंटेनर की आवश्यकता होनी चाहिए, अन्यथा वे नदी की तरह यहाँ वहाँ बहते रहेंगे जैसे मेरी पानी की बोतल। सही बोली सुधा तुम, जैसे कि तुम पानी को अपनी बोतल में इकट्ठा करके स्कूल तक लेके आती हो। और फिर गैसीय अवस्था के बारे में क्या ख्याल है? मैम, गैसीय अवस्था में क्योंकि अणुओं में एक और आकर्षण होता है, अणु कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं, हमें ना केवल उन्हें पकड़ने के लिए एक कंटेनर की आवश्यकता है बल्कि हमें उन्हें कसकर सील करने की भी आवश्यकता है। बहुत खूब, तुम लड़कियां सचमुच होशियार हो, मुझे खुशी है। अब मैं तुम दोनों को समझाती हूँ कि सिलेंडर में गैस को तरल में कैसे और क्यों परिवर्तित किया जाता है। तो सुनो, जब हम दबाव और तापमान जैसी बाहरी कारकों का उपयोग करते हैं तो हम अणुओं को करीब आने या दूर जाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। इससे हम पदार्थ की अवस्थाओं को बदल सकते हैं। यह ठीक इसी प्रकार है कि गैस को तरल में परिवर्तित करके सिलेंडर में एक साथ रखा जा सकता है। लेकिन मैम, हमें इतना परिवर्तन क्यों करना होता है? मैं उसे भी समझाती हूँ। So, देखो, खाना पकाने के लिए हमें जिस गैस की जरूरत होती है वह दो प्रकार की गैसों के मिश्रण से बनी है। एक तो है प्रोपेन और दूसरी ब्यूटेन। तरल अवस्था और गैसीय अवस्था के बीच बेहतर अणुओं का आकर्षण रखने के कारण एक ही पदार्थ की अधिक मात्रा को तरल अवस्था में इकट्ठा किया जा सकता है। जब हम सिलेंडर में रेगुलेटर खोलते हैं तो इससे दबाव कम हो जाता है और वो जो तरल अवस्था में गैस उसमें डाली गई है ना, वह गैस में परिवर्तित होकर ट्यूब में जमा हो जाती है। जब हम चूल्हे में नॉब ऑन करते हैं तो बर्नर के माध्यम से गैस बाहर निकलती है। यह आकर्षक है। हाँ, मेरे लिए इसमें थोड़ा विज्ञान ज्यादा था पर मुझे ये बहुत रोचक लगा कि रोज इस्तेमाल होने वाली चीज आखिर चलती कैसे है। और मुझे तो बहुत खुशी है कि तुम अपने आसपास की चीजों के पीछे का विज्ञान समझने में जिज्ञासा रखती हो। अपनी जिज्ञासा हमेशा कायम रखना। ठीक है मैम।
हमें ये समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दैनिक जीवन में विज्ञान, यह स्पोकन ट्यूटोरियल IIT बॉम्बे द्वारा सामुदायिक रेडियो कनेक्ट FM 107.8 पर प्रस्तुत किया गया। जनता से जुड़े डायरेक्ट, यही है सामुदायिक रेडियो कनेक्ट, तो सुनना ना भूलें। आपके दैनिक जीवन में क्या ऐसा कुछ आपको उत्साहित करता है? अपने उत्तर हमारे स्टूडियो नंबर 9813164542 पर भेज दीजिए। सुनते रहें कम्युनिटी रेडियो कनेक्ट FM 107.8।